गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह और आज का ब्लॉग हम शुरू करेंगे इसी ट्रैफिक से, क्योंकि मॉर्निंग का शॉट लेना हम भूल गए थे और अभी हम निकले हैं प्रेजेंटेशन के लिए हर्बल फेयर में, हमारा जो कैंप है वहाँ पर। तो अभी वीडियो कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर आकांक्षा, जो कि बनारस से आई है, जो कि हमारे कैंप में मदद करने के लिए। तो प्लीज़ आकांक्षा जी। हेलो, हम जा रहे अपने कैंप में प्रेजेंटेशन के लिए। हाय, कुछ बोलिए। अभी तो हम लोग निकले हैं, अभी रास्ते में ट्रैफिक पर अटके हुए हैं, तो चलिए कैंप पे मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। और आज ब्लॉग का शुरुआत आकांक्षा जी ने किया है, तो उनको पहले हाय बोल दीजिए। हेलो, आज प्रेजेंटेशन देना है बॉस को और देखते हैं इन्होंने प्रेजेंटेशन कैसा देना है। और ये हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हम जा रहे हैं अब नारियल पानी पीने और हमारे पास खुला नहीं है। नाले पास चेंज और ये उड़िया भाषा में नारियल पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। नीचे उतरिए पहले। ये मेरा नारियल पानी और ये बिना छुट्टे वाले इंसान जो कि नारियल पानी लेने जा रहे हैं। दिन में दो चार इम्पोर्टेंट्स कॉल आते हैं, ये कॉल उसी कॉल में से एक है, समझने वाले समझ जाएंगे। चलिए आगे हर्बल फेयर में। हर्बल फेयर में पहुंच चुके हैं और हमारा स्टॉल नंबर 5 पे जा रहे हैं और इतना धूप में तो कोई ट्रीटमेंट के लिए आता नहीं है। अभी आएंगे, थोड़ा बैठेंगे, बैठे बैठे बोर भी होंगे, उसके बाद इवनिंग में ही ट्रीटमेंट शुरू करेंगे 4 बजे के बाद। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे स्टॉल की तरफ। हमारे चंगू मंगू पहले से ही आ चुके हैं, पर देखते हैं वो है या नहीं, या वो घूम रहे हैं, या ये वो घूम रहे हैं। चंगू मंगू अभी स्टॉल पे नहीं है, दे आर वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। अच्छा, ही इज चंगू और चंगू अपना स्टॉल छोड़ छोड़ के घूम रहे हैं, एंड ही इज मंगू, मंगू भी अपना स्टॉल छोड़ के घूम रहे हैं। मतलब यहाँ पे लोग ट्रीटमेंट करने आने के बाद लोग घूमते रहते हैं और कोई काम धाम तो है नहीं। पेशेंट नहीं है तो अपने स्टॉल पे बैठेंगे या दूसरी जगह घूमेंगे। हाँ हाँ, घुटना ठीक करके मानेंगे। प्रेजेंटेशन से पहले मेरा ये मेरा प्रेजेंटेशन के टाइम मैं प्रेजेंट कर रहा था कि हम लोगों ने आर्थराइटिस का कैसे केस को कैसे सॉल्व किया है, स्पेस कैसे बढ़ाए। चलिए प्रेजेंटेशन के बाद हमने खाना खाए और ये मैं अपने शहर में सोलो ट्रिप कर रही हूँ, बट मेरे बॉस भी मेरे साथ है, मजा आ रहा और जो मजा बाइक पे है वो मजा फोर व्हीलर में बिल्कुल भी नहीं। और ये आ रहे हैं मिस्टर चिकनी, जो कि मेरे से क्लिनिक में हर किसी का नाम एक नया नाम डॉक्टर आकांक्षा ने इस लड़की ने रखा है। देखिए क्या क्या बुला रही है। तो ये हम आ गए हैं अब रेड लाइट के पास, बट हमें रेड लाइट का कोई असर नहीं है। तो अब ये जा रहे हैं हम रानी जूस सेंटर पे आए हैं, उनको दिखाने के लिए। उनको आप दिखाऊंगी क्यों? चिकन कोल्ड ड्रिंक, मुझे लगता है यही सब उसका चलता होगा। कुछ नहीं खाते। ट्रीटमेंट के बाद अभी टाइम है थोड़ा घूमने के लिए, हम लोग अभी टहल रहे हैं। तो हर्बल फेयर में टहलते हुए कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग अभी रूम के लिए निकलेंगे, पर उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपको पसंद आए मेरे ब्लॉग एंड चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, रात को बहुत हो जाता है, उसको रिटर्न करते करते 10:30 से 11 बज जाता है। हाँ, मैं फाइटिंग सुन रही हूँ, मैं उसको सुलझा नहीं रही हूँ, तो मैं मिर्च मसाला भी नहीं लगा रही, बट सब है जो है अच्छा।